हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले स्टॉक से रिलेटेड, जिसका नाम है मैट्रिमोनियल। आपने नाम सुना भी होगा, मैट्रिमोनी का मतलब क्या होता है वो भी आपको पता ही है। तो ये कंपनी करती क्या है उससे रिलेटेड तो आपको पता है, बट यहाँ पर एक बेहतरीन टारगेट नजर आ रहे हैं। ये ऐसे प्राइस पर चल रहा है जहां से अगर अभी शेयर को नहीं खरीदा तो समझ लीजिए यहाँ पर से आपके अच्छे रिटर्न आपके हाथों से निकल जाएंगे। उससे रिलेटेड जब हम चार्ट के बारे में बात करेंगे तब बात करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े और जाने और भी बहुत कुछ इस कंपनी के बारे में, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है, वीडियो जितना हो सके लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, जितना हो सके हमें सपोर्ट करिए, दूसरी वीडियोज को जाके देखिए। हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर है, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। और अच्छी खासी यहाँ पर कॉल्स इन द सेंस प्रोसेसिंग ट्रेड के पर्पस से जो यहाँ पर सिखाया जाता है वो तो आपको है ही है, वो तो बोनस है। एज वेल एज बात करें पर्सनली, बहुत सारे स्टॉक जो हम कवर नहीं कर पाते वीडियोस में वो आपको बताए जाएंगे, कब एग्जिट लेना है वो आपको बताई जाएगी, अच्छी सलाह दी जाएगी। इसके अलावा ये स्टॉक्स से रिलेटेड वीडियो जरूर देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो कंपनी है ना, बहुत बेहतरीन कंपनी है। जितने भी बड़े बड़े आप शेयर, आपने डाबर हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, एज वेल एज हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, सारे के सारे इसके क्लाइंट है, याद रखिएगा। काफी बेहतरीन शेयर है, जाके देखिए। एज वेल एज आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं। तो हम जिस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं उस स्टॉक्स का क्या नाम है? उस स्टॉक्स का नाम है मैट्रिमोनी.com। इससे रिलेटेड बातें क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 2 साल से यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना इतनी शादी होती हुई नहीं दिखाई दी है, बट यहाँ पर मैचिंग अगर बात करें तो मैच यहाँ पर ऑलरेडी हुआ पड़ा है। सब किसी ने पोस्टपोन जरूर करी है शादी, बट ये मैचिंग जो देखना दिखाना रहा है वो हमेशा चलता रहेगा। और भारत में एक जगह से दूसरे लड़कियां मिलना, लड़के मिलने अच्छे ओके, और विद बैकग्राउंड सब कुछ ये अच्छे तरीके से जब मिलना, ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट ही कर सकती है। ओके, जिसमें हम अगर लीडर की बात करें, देखिए जीवनसाथी.com जो इन्फो है वो तो अलग है ही, बट अगर बात करें मैट्रिमोनी की तो मैट्रिमोनी यहाँ पर नंबर वन में आता है। क्यों नंबर वन में आता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे भारत मैट्रिमोनी यहाँ पर सबसे ज्यादा, यहाँ पर लोग अपने आप को इसने 60% मार्केट यहाँ पर कैप्चर कर रखा है, इसलिए यहाँ पर भारत मैट्रिमोनी लीडिंग पे है। एज वेल एज अगर हम बात करें यहाँ पर कैटेगरी वाइज, यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं किसी को, अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट में यहाँ पर शादी करनी है वो यहाँ पर चूज कर सकते हैं, और कास्ट से बाहर निकल के शादी करनी है वो यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कास्ट यहाँ पर एज वेल एज बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगी इनकी वेबसाइट पे। तो नंबर वन है, 60% मार्केट को यहाँ पर कैप्चर करना काफी बड़ी बात होती है। एज वेल एज इनकी केवल यही सर्विस नहीं है, इसके अलावा पूरा पैकेज देते हुए नजर आते हैं। ओके, शादी को किस तरीके से यहाँ पर आगे देखा जा सकता है, यहाँ पर देखिए मैट्रिमोनी बाजार। इसके अलावा मंडप.com नाम से इनका एक पर्टिकुलर वेबसाइट भी है, इन्होंने ही ले रखी है, जिसमें क्या फोटोग्राफी से लेके कैटरिंग से लेके डेकोरेशन से लेके आई थिंक वेन्यू भी देते होंगे, तो मुझे पता नहीं है, I'm not aware about this, but हाँ वेन्यू भी देते हैं। देखिए बैंकेट हॉल, कन्वीनियंट हॉल्स, मतलब सब कुछ, मतलब आप लड़की को वहां पर मैट्रिमोनियल पे चूज भी करिए, मंडप.com पे जाके यहाँ पर वेडिंग हॉल या कन्वेंशन हॉल यहाँ पर बुक करिए। एज वेल एज वहाँ पर आप यहाँ पर कैटरिंग से रिलेटेड डेकोरेशन फोटोग्राफी, बस सिंपल एक पैकेज है, एक पैकेज बताएंगे, जो पैकेज आपको आपके फेवर में हो उसे आप उसे यहाँ पर चूज करके शादी करिए। सिंपल, आपको कुछ लेना देना नहीं है, सिंपल आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो ये एक काफी बेहतरीन यहाँ पर ये बिजनेस मॉडल नजर आता है कि एक जगह पर आप गए, सिंपल आपने पैसे दिए, ओके आपकी सारी की सारी टेंशन खत्म, आपको बस बताना है कि व्हाट यू नीड एग्जैक्टली, वो उसके हिसाब से आपको पैसे बताएंगे और बाकी यहाँ पर चीजें खत्म। और यहाँ पर देखिए रिवेन्यू ब्रेकअप, तो सर्विस अकाउंट 99% यहाँ से आता है। अभी ये जो मंडप.com है या जिससे कैटरिंग वगैरह से सर्विस कर रहे हैं, यहाँ से इनका कितना, तो यहाँ पर 1% ही रिवेन्यू आ रहा है, पर धीरे धीरे ये चीजें जब बढ़ती हुई नजर आएंगी, ओके इतनी ज्यादा टेंशन लोग लेते हुए नजर नहीं आएंगे। जैसे जैसे लोगों की इनकम भी बढ़ेगी वो इतना पैसे के बारे में नहीं सोचेंगे, और काफी लोग सोचते भी नहीं है। ओके, आप देखेंगे तो लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज शादी में उड़ा देते हैं ऐसी, तो काफी बेहतरीन यहाँ पर नजर आता है। जैसे कि मैं डिवीजन वाइज जैसे मैं बात कर रहा था, कास्ट वाइज मैं जैसे कि बात कर रहा था, किसी को तमिल में की लड़की चाहिए तमिल में, हिंदी में की बात करें हिंदी मैट्रिमोनियम, किरासा सिख मैट्रिमोनियम अग्रवाल कम्युनिटी, एज वेल एज यादव मैट्रिमोनियम है, 4 डिफरेंट कम्युनिटी के हिसाब से यहाँ पर इन्होंने वो भी बना रखे, पूरी वेबसाइट बना रखी है कि यहाँ पर जाइए आपको ये लड़कियां पूरी मिल जाएंगी, एज वेल एज या फिर लड़के मिल जाएंगे।
तो ब्राइड ब्राइडगूम दोनों यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। मार्केट कैप की बात करें तो देखिए स्मॉल कैप बिजनेस है, इंटरनेट बेस्ड बिजनेस है, कोई ऐसा हार्ड अगर बात करें कोई ऐसी नहीं है कि कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें मशीन की जरूरत है, सब चीज की जरूरत है। सिंपल इंटरनेट बिजनेस, इंटरनेट बेस्ड एज वेल एज डिजिटल बिजनेस यहाँ पर नजर आता है। और स्मॉल कैप कंपनी है, कब कब में यहाँ पर पीछे जीरो लग जाएगा, क्योंकि जितनी बड़ी आबादी भारत में है वो आप समझ ही सकते हैं। आरओसी आरओई की बात करें यहाँ पर 19.1% से लेकर 16.6% की यहाँ पर आरओसी आरओई है। 24% का डेट बी एंड नो क्लोजिंग, और 1245 42 रुपए से शेयर यहाँ पर 980 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो काफी यहाँ पर शेयर नीचे बीच यहाँ पर चल रहा है। अभी इसके रिजल्ट आए थे, रिजल्ट के बाद शेयर यहाँ पर दोबारा था यहाँ पर 1050 तक भागता हुआ दिखाई दिया, फिर दोबारा गिरता हुआ दिखाई दिया। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दोबारा यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें आपके सामने, जैसे कि मैं बता रहा था शेयर किस तरीके से नीचे से ऊपर गया, दोबारा यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस रेंज में अगर आप शेयर आपको मिल जाए तो काफी यहाँ पर बेहतरीन होगा ये शेयर। कंपनी को बात करें 2017 में आती हुई दिखाई दी है, लगभग 4 साल ही इस कंपनी का हुआ है, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। और उसी के आसपास जिस प्राइस पे आई थी उसी के आसपास यहाँ पर शेयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ही ऊपर है। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ और पैरामीटर्स की, तो यहाँ पर रिजल्ट रिजल्ट काफी बेहतरीन होते हैं। देखिए कंसोलिडेट रिजल्ट में तो mandap.com भी इंक्लूड होगा, और स्टैंड अलोन में यहाँ पर इनके जो मैच मेकिंग है वो। तो सेल्स की बात करें कंपनी का जो सेल्स है यहाँ पर देखिए एक कंसोलिडेशन फेज पे था, ओके यहाँ पर पैंडमिक की मार थी, बट दोबारा कंपनी का जो सेल्स आ रही है वो हाईएस्ट एवर आ रही है, 110 करोड़ की सेल्स है। नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी का 17 करोड़ रुपए का इसका पिछले 12 क्वार्टर का यहाँ पर प्रॉफिट है, जो कि हाईएस्ट एवर है। तो कंपनी हाईएस्ट एवर क्वार्टरली ईयरली बेस पे यहाँ पर देखेंगे 14 करोड़ से 17 करोड़ एज वेल एज 10 करोड़ से 17 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी ईयरली क्वार्टरली बेस पे एज वेल एज कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ दिखा रही है, ये तो हो गया कंसोलिडेट। एज वेल एज स्टैंड अलोन भी बात करेंगे तो स्टैंड अलोन से यहाँ पर कंपनी को और ज्यादा फायदा हुआ है 109 करोड़ रुपए का। ओके स्टैंड अलोन जैसे कि हमने देखा ही था 99% यहाँ पर जो रेवेन्यू आ रहा है वो स्टैंड अलोन से ही आ रहा है, जो कि मैच मेकिंग से है। इसके अलावा ईयरली बेस पे बात करें कंपनी का, ईयरली बेस पे देखिए स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा, बट धीरे धीरे जैसे जनरेशन चेंज हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर लोग इसी इन्हीं वेबसाइट को प्रेफर करते हैं, जाते हैं विजिट करते हैं। तो यहाँ पर अब दोबारा यहाँ पर देखिए अब देखेंगे तो अच्छी खासी सेल्स होती हुई नजर आ रही है। और कंपनी नेट प्रॉफिट की बात करें जो घाटे में चल रही थी कंपनी फाइनली यहाँ पर प्रॉफिट में आ गई है, और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट भी यहाँ पर जनरेट कर रही है, इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा हम देखिए कंपनी के बारे में रिजर्व्स, कंपनी अच्छे खासे रिजर्व्स है, 275 करोड़ के रिजर्व्स है। बोरिंग की बात करें 70 करोड़ की यहाँ पर बोरिंग भी है कंपनी के पास। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट 89 करोड़ की, और कैश की बात करें कंपनी के पास यहाँ पर 218 करोड़ रुपए का हाईएस्ट एवर यहाँ पर कैश भी है, जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 70 करोड़। अभी की बात करें तो आरओसी यहाँ पर 19 के आरओसी पे चल रही है कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें कंपनी के प्रमोटर्स के पास अभी 50.17% की हिस्सेदारी है। प्रमोटर्स यहाँ पर कंसिस्टेंटली यहाँ पर पॉइंट पॉइंट में यहाँ पर हिस्सेदारी कम कर रहे हैं, 0.51 से 0.44 करी, फिर 4.3 करी, फिर 4 करी, फिर 2.1 करी, फिर 2.0 करी, अभी 0.17। तो यहाँ पर धीरे धीरे कम कर रहे हैं, बट कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये कम कर रहे हैं उससे ज्यादा यहाँ पर FIs उठा रहे हैं, 18 से 26, 26 से 25, 22 ही, 22 से 25, 22 दोबारा, 23, 22। और अभी बात करें तो यहाँ पर इस क्वार्टर में कम यहाँ पर प्रमोटर FIs ने कितनी हिस्सेदारी खरीदी है ये समझ सकते हैं, 22.54 से 25.26, मतलब 2.5% के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी है, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए, मोर देन 2.5%। इसके अलावा DIS की बात करें, उन्होंने हिस्सेदारी यहाँ कम करी है, 19 से 15 करी है, बट यहाँ पर बात करें FIS ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है, अच्छे हाथों में ही ये हिस्सेदारी गई है, पब्लिक के पास बहुत कम गई है, 8.24 से बस 9.05 हो गई है, 0.something% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास, बाकी सारी हिस्सेदारी FIS ने यहाँ पर खरीद लिया। तो कंपनी यहाँ पर अच्छा तरीके से अच्छी नजर आती है, रिटेल पब्लिक के पास भी ज्यादा शेयर नहीं है, सिंपल ज्यादा शेयर यहाँ पर FIS DIS यहाँ पर होल्ड करते हैं। और कंपनी की अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले कंसोलिडेशन, यहाँ पर अगर मैं आपको बात बताऊँ अगर ये शेयर आपको इस रेंज में 967 के आसपास, मतलब यहाँ पर 10-11 रुपए और नीचे मिलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें बनती हुई नजर आएगी। बाय ऑन डिप्स करने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, और ये शेयर अब की आर जब भागेगा तो यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से भागता हुआ दिखाई देगा, अच्छे खासे नंबर बनाता हुआ दिखाई देगा, एक लंबा कंसोलिडेशन आप यहाँ पर कह सकते हैं कि लगभग 11 महीने से एक ही रेंज में यहाँ पर ये शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है। और जब एक लंबा कंसोलिडेशन हो जाता है ना किसी पर्टिकुलर शेयर में, तो याद रखिए चीजें भागती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे टारगेट की, तो टारगेट देखिए उस टाइम पहले यहाँ पर वीडियो बनाई थी उस टाइम भी यहाँ पर टारगेट बताए थे, अगेन आपको मैं टारगेट बता रहा हूँ वो उसी तरीके से टारगेट बनते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक यहाँ पर कब बन रहा है,
कब बनने के बाद यहाँ पर एक हैंडल बन रहा है और कब विद हैंडल पैटर्न का ये बनता हुआ नजर आ रहा है, और इस कब विद हैंडल पैटर्न से जो हमारे टारगेट नजर आते हैं वो कितने नजर आते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। वो लगभग लगभग हमारे यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर देंगे तो आपको समझ में आएगा। इसे थोड़ा सा और नीचे ले लीजिए तो लगभग 1600 रुपए के टारगेट आ रहे हैं। मतलब 1600 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ जा सकते हैं, और 1600 रुपए के टारगेट का मतलब यहाँ पर कितना है, 1600 रुपए के टारगेट का मतलब है लगभग 62% तक के यहाँ पर रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। तो फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिए, और देखिए जब चीजें चलती है ना जो बहुत, तो यहाँ पर फिर सीधे 10% भागते हैं। यहाँ देखिए 20% के यहाँ पर 20% 10% ओके 10% मतलब 40% एक ही बारी में भाग गया। इसी तरीके से भागना शुरू करेगा, एक ही बारी में भागेगा। तो सबसे पहला टारगेट की अगर बात करें, सबसे पहला टारगेट इसका यही है जो इसने अभी रीसेंट हाई बनाया था ओके लगभग 24%, और 24% 3 महीने में मिल जाने चाहिए। इसके बाद 26% जो, और ये 26% अगर इसने क्रॉस किया तो याद रखिएगा फिर ये आपके टारगेट 62% के लिए ही है, कम के लिए नहीं है। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करो, जितना हो सके हमारी इस वीडियो को हेल्प करिए, पहुंचाइए दूसरों के पास यहाँ पर ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और हमारी फाइनेंशियल सर्विस चाहिए तो इस कॉन्टैक्ट नंबर को अपनी बुक डायरेक्टरी में यहाँ पर सेव कर लीजिए, और यहाँ पर व्हाट्सअप कर दीजिए हमें कभी भी, आपको सर्विसेज से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।